अब्दुल करीम टुंडा 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी। गुरुवार 29 फरवरी को अजमेर की टाडा कोर्ट ने अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया। वहीं दो आतंकवादियों इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी करार दिया है। इरफान और हमीदुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 साल के अब्दुल करीम टुंडा को सबूतों की कमी के आधार पर बरी किया गया। हालांकि गुरुवार को सरकारी वकील से जब इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि टुंडा को किस आधार पर बरी किया गया है, इस पर फैसला देखने के बाद टिप्पणी की जाएगी। टुंडा के वकील शफकत सुल्तानी ने इस फैसले पर क्या कहा, वो भी आप सुनिए। अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः निर्दोष है। माननीय न्यायालय के ने आज यह फैसला दिया है। अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने हर धारा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया है। सीबीआई प्रोसिक्यूशन अदालत में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा एक्ट, आईपीसी, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट, विध्वंसक विस्फोटक अधिनियम, किसी मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। शुरू से हमारा ये कहना था, मेरे मुवक्किल का ये कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है। अब्दुल करीम टुंडा की निर्दोषिता आज न्यायालय में एक बार फिर साबित हुई है। अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा पर आतंकवाद के जो चार्ज थे, जो मामले थे, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं। आपको बता दें कि अब्दुल करीम टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन ये तीनों 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आरोपी थे। 20 साल पहले 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने ही मामले में 16 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी कर बाकी की सजा बरकरार रखी थी, जो फिलहाल जयपुर जेल में बंद हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1993 में लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। हादसे में सैकड़ों लोग घायल हुए थे, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सीबीआई ने 1994 में मामले को क्लब करते हुए टाडा कोर्ट अजमेर भेज दिया था। इस मामले में करीब 30 साल सुनवाई चली। सीबीआई ने टुंडा को इन धमाकों का मास्टरमाइंड माना था। फिर साल 2013 में नेपाल बॉर्डर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा टुंडा पर देश की कई अन्य अदालतों में आतंकवाद के मामले चल रहे हैं। उस पर युवाओं को भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए प्रशिक्षण देने का भी आरोप है। अब्दुल करीम उर्फ टुंडा उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले के पिलखवा कस्बे का रहने वाला है। वह पिलखवा कस्बे में कारपेंटर का काम करता था। इसके बाद कपड़े का कारोबार करने मुंबई चला गया। मुंबई के भिवंडी इलाके में उसके कुछ रिश्तेदार रहते थे। 1985 में भिवंडी के दंगों में उसके कुछ रिश्तेदार मारे गए। आरोप है कि इसका बदला लेने के लिए उसने आतंकवाद की राह पकड़ी और 1980 के आसपास वो आतंकी संगठनों के संपर्क में आया। लश्कर जैसे कुख्यात आतंकी गिरोह से जुड़े होने के आरोपी अब्दुल करीम का नाम टुंडा एक हादसे के बाद पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं साल 1985 में टुंडा राजस्थान के टोंक जिले की एक मस्जिद में कुछ युवाओं को पाइप गन चलाकर दिखा रहा था, तभी गन फट गई जिसमें उसके एक हाथ का पंजा उड़ गया। इसके कारण उसका नाम टुंडा पड़ गया। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी अब है। मेरा नाम दिव्यांशी सम्राट है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।